ब्रह्मचर्यायाणं नमो गुवज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं वंदित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर नमो सुदकेवलीभणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे अपनापन शुद्धात्म में अपने में ही लीन हो नाही संवर कहा जिनवर परम प्रवीण। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम संवर अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। संवर के उत्कृष्ट उपाय भेद विज्ञान की चर्चा करते हुए दो बातें कही कि भेद विज्ञान से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है और शुद्ध आत्मा की प्राप्ति से संवर होता है। इसी विषय को अमृतचंद्र आचार्य ने 127वें कलश में लिया। भेद विज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा की प्राप्ति और उससे संवर दोनों बातें इसमें शामिल हैं। एक बात पर इसमें जोर दिया कि जो शुद्ध आत्मा को प्राप्त करते हैं उससे जो संवर होता है वो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति धारावाहिक ज्ञान से होना चाहिए। यदि धारावाहिक ज्ञान से उसे प्राप्त करते हैं अर्थात धारावाहिक ज्ञान के द्वारा जानकर पहचानकर उसमें स्थिर होते हैं तो सहज ही जिनसे आश्रय होता है ऐसे राग द्वेष रुकते हैं और सहज ही संवर की प्राप्ति होती है। कलश की चर्चा अपन ने कर ली थी, इसमें काफ़ी चर्चा और है, खास करके धारावाहिक ज्ञान का क्या अर्थ। जयचंद जी छाबड़ा ने दो तरह से इसका अर्थ लिया हुआ है और गुरुदेव श्री का भी इस पर विशेष उद्धरण है। ये दोनों अपन अभी पढ़ेंगे। उसके बाद बनारसी दास जी का नाटक समय सार का भावानुवाद भी है। 127वां कलश पद्यानुवाद पढ़ करके यहाँ जो विशेष अर्थ है वो पढ़ना प्रारंभ करेंगे। यदि कथमपि धारा वाहिना बोधनेन ध्रुवम उपलभमाना शुद्धमात्मानमास्ते तदयमोदयदात्मा राममात्मानमात्मा पर परिणतिरोधा शुद्धमेवाभ्युपेति। भेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। विशेषार्थ भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इसमें ये कह रहे हैं कि आत्मा की प्राप्ति करके परमात्मा बनने तक का पूरा उपाय इस कलश में कहा गया है। वो कैसे, इस कलश में आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि निरंतर धारावाहिक रूप से प्रवर्तित ज्ञान ही शुद्ध आत्मा की प्राप्ति का एकमात्र अमोघ उपाय है। देशना लब्धि से लेकर केवल ज्ञान की प्राप्ति तक एकमात्र पुरुषार्थ ज्ञान की यह धारावाहिक प्रवृत्ति ही है। देशना लब्धि से लेकर केवल ज्ञान की प्राप्ति तक, देशना लब्धि में भी कमल जी कल परसों ये कह रहे थे कि देशना तो प्राप्त हुई लेकिन देशना लब्धि नहीं बन पाई। देशना
सुना, लेकिन विचार करके, चिंतन करके, निर्णय करके, उसके माध्यम से भेद ज्ञान की प्राप्ति करे तो लब्धि कहलाए वो। तो क्यों नहीं हो रही है, तो वो देशना लब्धि में भी बाधक धारावाहिक पने का न होना है। फिर देशना लब्धि के लिए ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, तो जिनेन्द्र भगवान के तत्व का अभ्यास करना है, स्वाध्याय करना है, तो वह स्वाध्याय निरंतर हो। निरंतरता के दो अर्थ, एक निरंतरता का अर्थ है प्रतिदिन नियम से क्रमिक स्वाध्याय हो, प्रतिदिन हो नियम से और क्रमिक बराबर, एक विषय को क्रमशः समझते हुए होवे। अन्यथा चूँकि प्रतिदिन स्वाध्याय करना ही है, इसलिए कोई भी शास्त्र उठाया उसके चार पन्ने पढ़ लिए, अगले दिन गए तो दूसरा शास्त्र उठाया उसके चार पढ़ लिए, करना है इसके लिए तो एक स्वाध्याय के नियम की पूर्ति जैसा हो गया, उसका एक परंपरा जैसा करने जैसा हुआ। एक ही विषय को क्रमिक बराबर नियमित होवे। दूसरी निरंतरता बहुत जरूरी है, जिसे टोडरमल जी बार बार जोर देते हैं, जो कुछ पढ़ा सुना समझा उसे एकांत में बैठ करके विचार करे। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि हमें गाली सुनना आता है, जिनवानी सुनना नहीं आता है। किसी ने गाली दी तो हम उसका असर कितनी देर तक रखते हैं और प्रभावित होते हैं, उत्तेजित होते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। जब जब वो व्यक्ति सामने दिखता है तब तब क्या याद आता है, इसने गाली दी थी और क्या गाली दी थी, और वो फिर प्रतिक्रिया फिर शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने उपयोग को उसमें निरंतर रखा। यदि निरंतर नहीं रखते तो उसी समय ख़त्म हो जाती बात, लेकिन उपयोग निरंतर जोड़ रहे हैं तभी प्रतिक्रिया हो रही है, प्रभावित हो रहे, आकुलित व्याकुलित हो रहे हैं। जिसका होना चाहिए निरंतर स्मरण उसका हो रहा है विस्मरण, जिसका होना चाहिए विस्मरण उसका हो रहा है स्मरण। तो वो गाली सुनी उसका तत्काल विस्मरण होना चाहिए था ना, तो उसकी जगह कर रहे हैं उसका निरंतर स्मरण। और ये जो सुना, आज जो सुना हुआ है वो उसकी धारावाहिकता दिन में बार बार बीच बीच में याद आ जाए, आज स्वाध्याय में क्या पढ़ा था, क्या चिंतन चलना चाहिए उसके ऊपर, वो निरंतरता नहीं होती। तो कल का कल सुन लिया, आज का आज सुन लिया। विषय बदलता जाए उसमें भी दिक्कत है, कुछ विषय पहले सुन लिया, कुछ विषय बाद में सुन लिया, पूरा व्यवस्थित हुआ ही नहीं, हुआ नहीं तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। यदि एक ही विषय को भी बराबर विषय क्रम से भी सुन रहे पढ़ रहे हैं, लेकिन कल सुन लिया, कल का कल सुन लिया, हो गया आज का आज सुन रहे हैं, इस बीच में दोनों की कोई लिंक नहीं है, हमारे ध्यान में न विषय पिछला कोई विशेष रहा, न उस पर कोई विशेष चिंतन किया, निर्णय किया, अंदर में बैठी नहीं बात, वो जा रहा है। वो भी निरंतरता की आवश्यकता है कि वो विषय चित्त में घूमते रहना चाहिए, बार बार घूमते रहना चाहिए, वो भी निरंतरता जरूर, वो धारावाहिक बना, तब वह देशना लब्धि बन पाएगी, अन्यथा लब्धि नहीं बन पाएगी। वो चिंतन में आना, बार बार विचार में आना जरूरी है। वो विचार चलता रहेगा तो वह अंदर प्रभावित, जब वो विकार वाला प्रभावित करता है, कर सकता है, दूसरे की गाली इतनी प्रभावित कर सकती है, तो फिर ये तत्वज्ञान क्यों नहीं प्रभावित कर सकता। तो जैसे उसे हम दिल पर ले लेते हैं तब तो तकलीफ होती है, वैसे इसको दिल पे नहीं लेते हैं, तो इसको दिल पर लेंगे तो ये अंदर चलता रहेगा, ये चिंतन अंदर में चलता रह सकता है, चलेगा। मोबाइल को चार्ज करना हो क्या करते हैं, उस पर लगाते हैं,
करंट में लगा करके चार्जर जोड़ देते हैं, फिर जब तक पूरा चार्ज नहीं होता है तब तक जोड़े रखते हैं ना, ऐसा तो नहीं करते जोड़ा फिर निकाल दिया, लगा दिया एक सेकंड में निकाल दिया, ऐसा करेंगे तो कहाँ से चार्ज होगा, लगा के रखना पड़ेगा ना, कम से कम इतना तो वो पहले वाले उसमें डंडे आते थे ना, एक डंडा हो गया फिर दो डंडा हो गया फिर तीन डंडा हो गया, आपको ज़रूरी बात करनी है बिल्कुल चार्ज ख़त्म हो गया है लगा दिया है तो वो अब किसी दूसरे को लगाना हो तो कहते हैं अभी हो गया हटाओ, वो कहते एक डंडा तो आने दो, क्यों इतना भी नहीं होगा तो फिर बात ही नहीं हो पाएगी, तो हमसे थोड़ी देर तो लगाने दो, तो वो उतनी देर लगाएंगे तब तो होगा उतना चार्ज, अब फिर हटाएंगे तो नहीं हो पाएगा। तत्व ज्ञान में फिर तो एक घंटा लगाते हैं ना स्वाध्याय करते हैं, तो अब 24 घंटे में एक घंटा वो जैसे उसके लिए समझ लो 10 मिनट में चार्ज होता है तो एक सेकंड जैसे ही हो गया, एक सेकंड में हटा दिया एक सेकंड में हटा दिया तो कहाँ चार्ज हो पाएगा, तो ऐसे एक घंटे तो सुन लिया उसके बाद हटा दिया, एक घंटा सुन लिया उसके बाद हटा दिया, तो वो कैसे गीले कपड़े को सुखाने के लिए क्या करना, भी पानी में गीला हो रहा है उसके पानी के संपर्क से हटाओ और धूप में डालो, तो संपर्क से पानी से हटाया धूप में एक सेकंड डाला और वापस डाल दिया, एक घंटा डाल दिया और वापस पानी में डाल दिया सूख पाएगा। ऐसे ही विकार और राग के साथ तो हम निरंतर अपने को उसमें विकार से ओत प्रोत कर रहे निरंतर, अब थोड़ी देर घंटा भर के लिए किया और घंटा भर करने के बाद भी वो फिर से संपर्क में नहीं आए तो बच सकते हैं, वो कपड़ा धूप में डाला घंटा भर ज़्यादा धूप नहीं मिल पाई कोई बात नहीं, लेकिन फिर पानी पे संपर्क में तो न जाए तो नहीं भी सूखा हो तो धीरे धीरे फिर सूख भी जाएगा, फिर से पानी के संपर्क में आएगा तो कैसे सूख पाएगा। हम एक घंटे भर के लिए विषय कषाय से हट करके इसका चिंतन मनन कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद फिर रविंद्र जी ने जो विसर्जन पाठ लिखा ना उसमें लिखा ना कि वो किया पूजा का विसर्जन और पाप भाव में पहुंच गया और नीम छोड़ करके हाय हलाहल विष पिया, तो वो पूजा का तो भाव ये होना चाहिए था कि निरंतर शुद्ध भाव में ही बने रहे, ये प्रयोजन था ये उद्देश्य था, वो शुद्ध भाव में आए थे वो भी कोई ठीक नहीं था, लेकिन इसे छोड़ करके फिर पाप भाव में पहुंच गए तो ये कौन सी मूर्खता भारी का, ये तो पाप भाव में पहुंच गया ये बड़ी मूर्खता की है, क्या पंक्तियां हैं भाई इससे पहले पाप विसर्जन किया पाप भाव में पहुंच गया और अब तक की मूर्खता भारी तज नीम हलाहल, तो ये शुभ भाव तो नीम की तरह था, पाप पुण्य भाव में था उसको भी ये कहा, तो फिर पाप भाव में पहुंच गए अब निरंतर पाप भाव में है, वो पाप से भी कैसे बच पाएंगे, अब पाप से बच करके पुण्य में आना शुभ भाव में आना कठिन हो रहा है तो शुद्ध भाव में कैसे पहुँचेंगे। और जब वो तत्व का चिंतन धीरे धीरे साथ साथ में चलता रहेगा तो कषाय की मंदता बनी रहेगी, तो पाप से भी बचेंगे शुभ भाव में रहेंगे, ये फिर हमें शुद्ध भाव में पहुंचने में अनुकूलता दे सकता है, तो वो तत्व विचार होना चाहिए बीच बीच में निरंतर निरंतर वो चिंतन चलते रहना चाहिए। मंदिर में जाकर के प्रवेश करते समय निश्चय ही बोल करके प्रवेश करते हैं, क्या मतलब उसका, निषेध कर दिया अंदर प्रवेश कर दिया, अब बाहर निकल रहे हैं, अब तो कुछ लोग ऐसा भी कहने लगे कि बाहर निकलते समय भैया असही कह करके निकलना, हाँ ये क्यों, अभी तो निषेध प्रतिज्ञा की थी सांसारिक समस्त सांसारिक प्रयोजनों का निषेध, आप बाहर निकल रहे हो अब फिर तुम सांसारिक कार्यों में पहुंच जाओगे तो प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी, फिर इसलिए बोलो, अरे उसमें भावी ये था कि
जब तक मंदिर में है तब तक के लिए हैं, उसके बाद तो अपने आप ही छूट गया। लेकिन वहाँ जरूरी इसलिए था कि यदि वहाँ सांसारिक प्रयोजन स्मरण में आएंगे तो पूजा पाठ का शुभ भाव का ये बिगड़ जाएगा, परिणामों में जो विशुद्धि होनी चाहिए वो विशुद्धि भी नहीं हो पाएगी, इसलिए तो निषेध किया था। अब जो हम वहाँ चिंतन कर रहे हैं, परिणामों को निर्मल कर रहे हैं, उसको यदि हम बाहर लेकर के जाएंगे तो क्या होगा कि साहब यहाँ आकर के शुभ भाव बिगड़ जाता है, तो बाहर जाकर के यदि मंदिर का चिंतन बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अशुभ भाव बिगड़ जाएगा। तो अशुभ भाव बिगड़ेगा ना तो ठीक नहीं है ना। यहाँ मंदिर का कार्य बिगड़ता है इसलिए सांसारिक प्रयोजनों का निषेध किया, इसलिए अब मंदिर के चिंतन, पंच परमेष्ठी का स्मरण, तत्व का स्मरण, भेद विज्ञान का स्मरण, वैराग्य का स्मरण, यदि ये हम लौकिक कार्य में ले जाएंगे सांसारिक प्रयोजनों में तो बिगड़ेगा, इसलिए नहीं करना चाहिए। गलत बात है कि हाँ सही बात है, वहाँ यदि ये करोगे तो बिगड़ेगा, तो उसे बिगाड़ना है कि चालू रखना है। सांसारिक कार्यों के, अशुभ के, पाप के कार्यों को अच्छे से बना के रखना है कि उसे बिगाड़ना है, उससे बिगाड़ करके माने उसका अभाव करके तो इधर आना ही है ना। वो चिंतन निरंतर उधर भी चलना चाहिए। ये तो पूजा पाठ करने वालों के लिए कहा, पूजा पाठ करने वालों के लिए तो इतना विषय नहीं मिल पाता है, क्या चिंतन करे वे, रोज तो वही का वही पूजन पढ़ना है, वही के वही विषय अष्टक के और जयमाला के वही वही पढ़ना है। अब उसमें अब तो ये भी बहुत अच्छा है कि इस पर भी बहुत विषय अपने को मिल गया चिंतन के लिए, इन परंपरा से पुराने ही पूजन पढ़ते जाएंगे तो उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। ये हम तो स्वाध्याय कर रहे तो हमारे लिए तो डबल विषय है, पूजा में भी मिल गया और स्वाध्याय में भी मिल गया। वो चिंतन की निरंतरता बनी रहेगी। हाँ कदाचित तो काम धंधा व्यापार धंधा सब करेंगे कि नहीं करेंगे, महिलाएं अपने घर गृहस्थी के कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे, वे सब छोड़ छाड़ करके बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा, वो भी चलेगा। उसके बीच बीच में याद आता जाए, फुर्सत में करते रहे तो निरंतरता बनी रहेगी और उस निरंतरता से असली देशना का लाभ मिल पाएगा। तो इसलिए देशना लब्धि के लिए भी निरंतरता बहुत जरूरी है, धारावाहिकता बहुत जरूरी है। ऐसे केवल ज्ञान की प्राप्ति तक भी जरूरी है। कैसे वो स्पष्ट कर रहे हैं, सर्वप्रथम जब यह आत्मा देवशास्त्र गुरु के माध्यम से देशना लब्धि को प्राप्त होता है, उनकी वाणी में प्रतिपादित वस्तु स्वरूप को, विशेषकर आत्मवस्तु को विकल्पात्मक ज्ञान में समझ पूर्वक सम्यक निर्णय करता है। ये पहली स्थिति हो गई, अभी धारावाहिकता नहीं आई है, पहला स्टेप है। लेकिन इसके लिए भी धारावाहिकता चाहिए, पहले क्या पढ़ा फिर क्या समझा उसकी कंटिन्यूटी बनाते हुए जब सम्यक निर्णय करेगा समझ पूर्वक और अपने ज्ञानोपयोग को उसी में लगाता है, ये धारावाहिकता हुई अब, और अपने ज्ञानोपयोग को उसी में लगाता है, तब इसी पुरुषार्थ के बल से काल लब्धि आने पर प्रायोग्य लब्धि से गुजरता हुआ करण लब्धि को प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ काल लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि की बात हुई। इसका अर्थ ऊपर जो देशना लब्धि की बात थी, विकल्पात्मक ज्ञान में समझ पूर्वक निर्णय करने की बात थी, उसमें दो लब्धियाँ आ गई, विशुद्धि लब्धि और क्षोपम लब्धि, ये दोनों आ गए। देवशास्त्र गुरु के माध्यम से इसमें विशुद्धि लब्धि आ गई और फिर उसका जो है विकल्पात्मक ज्ञान में समझ पूर्वक सम्यक निर्णय, इसमें क्षोपम लब्धि आ गई। और ये बारंबार दोहराते रहना पड़ेगा, बारंबार करते रहेंगे तब कभी प्रायोगिक लब्धि होगी। और प्रायोगिक लब्धि के साथ काल लब्धि आने पर, उसमें तो काल लब्धि तो है नहीं वैसे, वो पांच लब्धियों में काल लब्धि तो नहीं है, लेकिन वो करण लब्धि में कब पहुँचेगा, क्योंकि प्रायोगिक लब्धि तक यह जीव अनेकों बार आकर के वापस लौट जाता है, अभवी भी पहुँचता है,
भव्य जीव को प्रायोग्य लब्धि के बाद करण लब्धि में जाकर के सम्यक्त्व की प्राप्ति कब होगी कि जब उसके होनहार और काल लब्धि होगी तब उसकी काल लब्धि सम्यक्त्व प्रकट करने की आई होगी तो होगी। तो इसलिए वो काल लब्धि आने पर वो कथम अपि का भी भाव है, जो कथम अपि शब्द में ये भी लिया था ना, काल लब्धि आने पर पुरुषार्थ पूर्वक, इसलिए काल लब्धि आने पर प्रायोग्य लब्धि से गुजरता हुआ करण लब्धि को प्राप्त होता है, तदुपरांत सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है, सम्यक्त्वा चरण चारित्र रूप परिणत होता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूप परिणत होता है, ऐसा क्यों नहीं कहा? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, पहले अभी चौथे गुणस्थान की बात करनी है, इसलिए सम्यक्त्वा चरण, अनंतानुबंधी चली गई उतना अन्याय अनीति अभक्ष चले जाएंगे, वो सब भूमिका के योग्य सदाचरण निश्चित आएगा, इसलिए सम्यक्त्वाचरण चारित्र परिणमित होता है। ये पहली धारावाहिकता हुई। सम्यक दर्शन प्राप्ति के पूर्व जो धारावाहिक ज्ञान देशना आधारित था, आगमानुसार था, विकल्पात्मक था, सम्यक दर्शन प्राप्ति के बाद वह अनुभव जन्य हो जाता है, साक्षात हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, सम्यक हो जाता है, क्योंकि अब निर्णय पूर्वक अच्छी तरह से स्वरूप में स्थिर होकर के सम्यक भी प्राप्त कर लिया, अनुभव हो गया, अब तो उसे बार बार उसी प्रक्रिया को दोहराना है। परीक्षा मुख की चर्चा में या उसमें जब स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान की चर्चा आई थी तब मैंने टोडरमल जी का पढ़ के सुनाया था, ये सब अनुभव में उपयोगी है। देशना से निर्णय कर रहे हैं उस समय भी पहले क्या सुना पढ़ा उसे स्मृति में रखे, आपस में मिलान करे, प्रतिविज्ञान करे, अपनी बुद्धि लगाए, तर्क करे, अनुमान से निर्णय करे, और ये सब आगम जिनवाणी का भी निर्णय करने में उपयोगी होगा, और उससे देशना की प्राप्ति करके फिर जैसा जिनवाणी में कहा ऐसा ही मुझे यहाँ भी भाषित होता है, ऐसा जैसे वर्तमान पर्याय में अहम बुद्धि, ऐसे एक आत्मा में अहम बुद्धि कर ली, अहम बुद्धि करके उस आत्मा का अनुभव कर लिया, हो गया, अब इसके बाद में वो जो अनुभव किया हुआ है वह अनुभव अब स्मृति में बना रहता है, उस स्मृति का उपयोग करते हुए प्रतिविज्ञान के माध्यम से अब वह पुनः पुनः उसको अनुभव में ले सकता है। अब अनुभव के आधारित हो गया, वो धारावाहिकता जो हो गई अनुभव के आधारित हो गई। यह सम्यक ज्ञान, जो सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान हुआ, यह सम्यक ज्ञान जब धारावाही रूप से विद्यमान रहता है तो चारित्र मोह को शिथिल करता हुआ आगे बढ़ता है, और नित्य वृद्धिंगत यह धारावाही ज्ञान ही एक दिन केवल ज्ञान के रूप में परिणमित हो जाता है। दर्शन मोह का अभाव देशनालब्धि का उपयोग करते हुए, देशनालब्धि के आधार से चिंतन मनन करते हुए करण लब्धि पूर्वक सम्यक्त्व की प्राप्ति की, मैंने दर्शन मोह का अभाव कर दिया और सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया। अब चारित्र मोह का अभाव करने के लिए जो देशनालब्धि का उपयोग किया था तब भी ज्ञान को धारावाहिक रूप से लगाया तब निर्णय हो पाया, अब चारित्र मोह का अभाव करने के लिए भी उस ज्ञान की धारावाहिकता आवश्यक है जिससे चारित्र मोह शिथिल होकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी। अंतर क्या रहा कि जब वह पहले निर्णय करने के लिए धारावाहिक ज्ञान का प्रयोग कर रहा था वो आगम के आधार से कर रहा था, अब सम्यक दर्शन होने के बाद में स्वयं के अनुभव के आधार से वो धारावाहिकता आगे चलते रहेगी। अतः यह कहना अनुचित नहीं है कि देशनालब्धि से लेकर केवल ज्ञान की प्राप्ति तक एकमात्र आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ ज्ञान की यह धारावाहिकता ही है। ये पहले भी कहा, फिर से दोहराया इस बात को। सम्यक दर्शन के पूर्व यह धारा देशनाधारित होती है, सम्यक दर्शन के बाद आत्मानुभव आधारित हो जाती है। सम्यक दर्शन के प्राप्ति के बाद की यह ज्ञान धारा लब्धि रूप भी हो सकती है और उपयोग रूप भी। वो ज्ञान की धारावाहिकता लब्धि और उपयोग, सम्यक दर्शन हो गया उसके बाद में वापस व्यापार धंधे इसमें उसमें उपयोग लग गया चला गया, तो फिर वो सम्यक ज्ञान उसके साथ हुआ है वो नष्ट होकर मिथ्या नहीं हो जाएगा,
तो फिर वो कहाँ रहेगा, तो वो लब्धि में रहेगा। फिर चिंतन मनन में बैठे और उपयोग स्वस्वन्मुख किया, स्व में लीन हुआ, तो उस समय उपयोग रूप भी हुआ, तो इसलिए लब्धि में भी रहता है और उपयोग रूप भी। लब्धि रूप ज्ञान धारा तो सम्यक दर्शन होने के बाद अर्थात चतुर्थ गुणस्थान से आगे जब तक क्षयोपशमी ज्ञान है तब तक निरंतर ही बनी रहती है वो लब्धि रूप से, तो अंदर अंदर बराबर ये वो काम नहीं करती, ऐसा नहीं है, बराबर करती है, निरंतर करती है। जैसे वो टोडरमल जी ने क्रिया परिणाम और अभिप्राय की चर्चा की ना, जिसको अभय जी ने बहुत विस्तार दे करके एक पुस्तक भी लिखी उसके ऊपर, वो विपरीतता में कर्म का बंध कराने में कौन कारण है, अभिप्राय कारण है। और वो अंदर अभिप्राय पड़ा हुआ हो और विपरीत अभिप्राय पढ़ने अंदर होते हुए कदाचित क्रिया सही कर रहे हो, परिणाम भी सही कर रहे हो, तब भी अनंत संसार का बंध चलता रहता है। जो द्रविलिंगी मुनिराज बिना भावलिंग के द्रविलिंग का निरतिचार पालन कर रहे हैं, वो निरतिचार करने वालों के क्रिया भी शुद्ध है और उसके अनुसार परिणाम भी शुभ भाव वाले अनुकूल है उसके, वो मायाचारी वाले नहीं हैं, वो दोनों अनुकूल है, तो फिर तो कर्म का अभाव होकर के मुक्ति की तरफ जाना चाहिए। नहीं जाते, निरंतर संसार बढ़ता है, क्योंकि अभिप्राय के कारण से। जैसे संसार को बढ़ाने के लिए वो अभिप्राय काम कर रहा है, ऐसा ही सम्यक दृष्टि का जो सम्यक अभिप्राय हुआ है वो अंदर निरंतर काम करता रहता है। वह 41 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति, 41 प्रकृतियों के बंध नहीं हो सकता, उतना संवर अंदर पड़ा हुआ है। उसके बाद बाहर भी कुछ भी करे, व्यापार धंधा करे, विषय कषाय करे, राजा पहले के सब चक्रवर्ती लड़ाई करे, सब कुछ भी करे बाहर से, इन वो अंदर का सम्यक अभिप्राय निरंतर काम कर रहा है, उसको यहाँ कह रहे हैं वो लब्धि रूप से, वो सम्यक ज्ञान उसके साथ लब्धि रूप से है। और वो केवल ज्ञान जब तक क्षोपशम ज्ञान है तब तक निरंतर बड़ा बना रहेगा, और उसके बल से तब तक निरंतर ही बनी रहती, और उसके बल से साधक आत्मा निरंतर आगे बढ़ता रहता है। किंतु ये लब्धि की बात है, किंतु उपयोग रूप ज्ञान धारा नीचे की गुणस्थानों में भूमिका अनुसार कभी कभी ही होती है और श्रेणी में निरंतर बनी रहती है। श्रेणी के बाद फिर निरंतर होगी, और कभी कभी का अर्थ वो थोड़ा सा जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ लिया है, उसके स्पष्टीकरण में आया, चौथे में, पांचवे में, छठे, सातवें में कैसा, और अपने को ध्यान में है, जितना जितना हो सकता है संभव उतना। और श्रेणी चढ़ना प्रारंभ हो गया, खास करके क्षपक श्रेणी, क्योंकि वो पूर्णता में ही जाने वाला है, उपशम होगा तो नीचे भी आएगा, ये क्षपक श्रेणी में फिर निरंतर बना रहेगा। इस बात को समझाने के लिए पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ द्रष्टव्य जो इस प्रकार है, धारावाही ज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से राग द्वेष मोह रूप पर परिणति का अर्थात भावाश्रमों का निरोध होता है और उससे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। ये पूरे कलश का अर्थ हो गया। धारावाही ज्ञान का अर्थ है प्रवाह रूप ज्ञान, अखंड रहने वाला ज्ञान, वो दो प्रकार से कहा जाता है। एक तो जिसमें बीच में मिथ्या ज्ञान न आए, ऐसा सम्यक ज्ञान धारावाही ज्ञान है। यानी सम्यक दर्शन हुआ, उसके साथ सम्यक ज्ञान हुआ, और फिर केवल ज्ञान प्रकट होने, केवल ज्ञान ही हुआ, बीच में फिर मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ, मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ इसलिए मिथ्या ज्ञान नहीं हुआ, तो सम्यक ज्ञान निरंतर बना रहा। वो क्षोपशम ज्ञान को ही गुरुदेव ने नया शब्द दिया था ना, जोड़नु क्षायिक, ऐसा क्षोपशम ज्ञान जो निश्चित रूप से क्षायिक रूप ही होगा, माने क्षायिक में जाकर के जुड़ेगा, तो जोड़नु वो क्षोपशम निरंतर है, बीच में फिर मिथ्या रूप नहीं होने वाला है, तो उसके लिए कहा। वैसे तो औपशमिक तो छूटता ही छूटता है, और क्षोपशम भी अनेकों बार छूट सकता है, वो कर्णानुयोग के अनुसार कितनी बार छूटता है उसके अनुसार समझना। बनारसदास जी तो उसे ये कहते हैं
पंडित उपशमी क्षयोपशमी उनकी तो ऐसी दशा जैसे लोहार की संडासी खिनवाही पानी माही खिनवाही आग माही ऐसे क्षणिक में सम्यक क्षणिक में मिथ्यात्म में आ जाते हैं। तो वो लेकिन कोई क्षोपशम सम्यक तो ऐसा हो कि बीच में मिथ्यात्व रूप होवे नहीं क्षायिक में ही पहुँच जाए, तो वो निरंतरता एक तो ये धारावाहिकता कही। दूसरा एक ही गेय में उपयोग के उपयुक्त रहने की अपेक्षा से ज्ञान की धारावाहिकता कही जाती है। पर ज्ञान एक गेय में लगा उस गेय से फिर हटा नहीं उसी में लगा रहा ये धारावाहिकता। अर्थात जहाँ तक उपयोग एक गेय में उपयुक्त रहता है जुड़ा रहता है उसी में लगा रहता है वहाँ तक धारावाही ज्ञान कहलाता है। इसकी स्थिति छद्मस्थ के अंतर्मूर्त ही है तत्पश्चात वह खंडित होती है। छद्मस्थ अंतर्मूर्त से अधिक नहीं रह सकता और ऐसी दशा में पहुंच जाए कि अंतर्मूर्त लगातार रहे तो केवल ज्ञान हो तो मुनि दशा में संभव है उस श्रेणी चढ़ने की अवस्था में। अभी जयचंद जी छाबड़ा का ही भावार चल रहा है। इन दो अर्थों में से जहाँ जैसी विवक्षा हो वहाँ वैसा अर्थ समझना चाहिए। दोनों को भी स्पष्ट कर दे कहाँ कौन सा होता है। अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि नीचे के गुणस्थान वाले जीवों के मुख्यतया पहली अपेक्षा लागू होगी। वंदर का लब्धि रूप से सम्यक ज्ञान बराबर बना रहेगा मिथ्या दृष्टि नहीं होते इस अपेक्षा से। और श्रेणी चढ़ने वाले जीव के मुख्यतया दूसरी अपेक्षा लागू होगी क्योंकि उसका उपयोग शुद्ध आत्मा में ही उपयुक्त है और पूर्ण केवल ज्ञान होगा उसके बाद भी उपयुक्त रहेगा इसलिए उनके लिए दूसरा वो धारावाहिकता निरंतर रहेगी श्रेणी की अपेक्षा। अब पूरा हुआ अब स्वामी जी का स्पष्टीकरण। अभी फिर से वापस पीछे चलेंगे फिर वापस ये दो प्रकार की धारा की बात फिर आएगी। जहाँ अंतर में राग से ज्ञान भिन्न हो जाता है वहीं से शुद्धता रूप ज्ञानमय परिणमन की धारा का अखंड प्रवाह चलने लगता है। भले ही साथ में किंचित अशुद्धता का परिणमन हो तथापि शुद्धता की धारा तो निरंतर चलती रहती है। जो ज्ञानानंद स्वभाव की निर्मल परिणति प्रकट हो गई उसकी अखंड धारा तो अटूट ही रहती है। भले उपयोग पर में हो परंतु जिसमें मिथ्या दृष्टिपना नहीं आता और सम्यक दर्शन कायम रहता है ऐसा सम्यक ज्ञान धारावाही ज्ञान है। राग से भिन्न हुआ ज्ञान धारावाही अखंड रहता है। आत्मा राग से भिन्न है जिसे ऐसी अंतर्दृष्टि के द्वारा आत्मभान हो गया है उसे भले ही किंचित राग उत्पन्न हो रहा हो पर उसे जो शुद्धता प्रकट हो गई है वह अखंड धारावाही है। वो किंचित राग पूरे छः खंड का भी हो सकता है 96,000 रानियों का भी हो सकता है वो भी किंचित ही कहलाएगा उतना भी। अब बाकी का फिर भूमिका अनुसार जिसका जितना है उतना राग हो। जब तक मिथ्या ज्ञान नहीं आता तब तक धारावाही ज्ञान है। जब तक मिथ्यात्व नहीं आता तब तक सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान की धारा निरंतर चलती रहती है। यह तो प्रथम प्रकार का धारावाही अखंड प्रवाह है। दूसरा धारावाही ज्ञान का अखंड प्रवाह वह है जिसमें एक ही गेय में उपयोग उपयुक्त रहा करता है। अपना एक रूप ज्ञायक भाव अपने ही ज्ञान का विषय होने से गेय भी कहा जाता है। उसी अपने गेय में ही उपयोग का स्थिर होना ज्ञान का धारावाही बना है। अब वो सामान्य अपेक्षा से तो ये कह दिया कि एक ही गेय में उपयोग का स्थिर रहना ये दूसरे प्रकार का, लेकिन यहाँ कथमपि धारावाहिना बोधनेन ध्रुवम उपलब्ध माना जो कह रहे हैं वहाँ वो एक गेय अपना आत्मा है शुद्ध आत्मा है दूसरे गेय की बात नहीं है। तो गेय की बात कर रहे हैं ना, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है कि आत्मा भी अपना गेय भी है इसलिए वो अपने स्वगेय की बात है। पहले प्रकार में उपयोग स्थिर रहने की बात नहीं है। वहाँ तो सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान होने से केवल भेद ज्ञान की या ज्ञानमय परिणमन की धारा ही अखंड रहती है माने वहाँ उपयोग स्थिरता की बात नहीं है मात्र अंदर में लब्धि रूप की बात हुई वह। तथा दूसरे प्रकार में आत्मा अपने ध्यान में ज्ञाता ज्ञान गेय के भेद से रहित एक उपयोग में स्थिर होता है
एक आत्मा में ही लीन होता है, उसे धारावाही ज्ञान कहते हैं। यह दूसरे प्रकार के धारावाही ज्ञान की उपयोग की स्थिरता की बात है। इसकी स्थिति अंतर्मुहूर्त की ही है। छद्मस्थ का उपयोग तो अंतर्मुहूर्त तक ही रहता है, अधिक नहीं, इसलिए इतने काल तक का धारावाही कहलाता है। जब उपयोग अंदर नहीं ठहर पाता तो बाहर आ जाता है और उपयोग खंडित हो जाता है। इसी कारण जब तक उपयोग अंदर में लवलीन रहता है तब तक धारावाही ज्ञान कहलाता है। तो मुनिराज के अंतर्मुहूर्त तक जितना शुद्धोपयोग का काल है उतने काल के लिए धारावाहीपना है। इन दोनों अर्थों में जहाँ जिस अपेक्षा से कथन हो वैसा अर्थ ग्रहण कर लेना चाहिए। अविरत सम्यक दृष्टि वगैरह नीचे के गुणस्थान वाले अर्थात चौथे पाँचवें व छठे सातवें गुणस्थान वाले जीवों के धारावाही सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान कहाँ है वह पहले कथन की अपेक्षा समझना। यहाँ उपयोग यदा कदा ही अंदर सन्मुख होता है, अतः उपयोग की मुख्यता उपयोग की अपेक्षा लागू नहीं पड़ती। श्रेणी चढ़ने वाले जीवों के ही मुख्यतः दूसरी अपेक्षा लागू पड़ती है, यद्यपि उनके भी दसवें गुणस्थान तक अबुद्धिपूर्वक होने वाला राग तो होता है पर उसे गौण करके उपयोग की एकाग्रता की मुख्यता से ऐसा कहा गया है। ये चलेगा साथ साथ में, लेकिन उपयोग तो स्वरूप में लीन है। आठवें गुणस्थान से उपयोग की धारा स्थिर होती है, उस गुणस्थान में जहाँ उपयोग लगाते वहीं स्थिर रहता है, वहाँ से हटता नहीं है, अतः वहाँ उपयोग की स्थिरता की अपेक्षा धारावाही ज्ञान कहा है। वो आठवां क्या बल्कि सातवें में ही वो दो तरह का सातवां है ना, सातिशय अप्रमत और निरत्य स्वस्थान अप्रमत और सातिशय अप्रमत। तो सातिशय अप्रमत, तो सातिशय अप्रमत में पहुँचा और उससे आठवें में वहीं से लेकर के निरंतर धारावाही रहता है। इस प्रकार धर्म की धारा दो प्रकार हुई, एक तो चौथे पांचवे और छठवें गुणस्थान वालों को जो निर्मल सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ वह धारावाही, भले उपयोग राग में पर में जाए परंतु अंतर में सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया है वह अब छूटता नहीं है। दूसरे आठवें गुणस्थान से जो उपयोग अंतर आत्मा में आया वह वहाँ से नीचे न गिर कर ऊपर चढ़कर केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। भाई तेरा यथार्थ स्वरूप नित्यानंद चदानंदमय है, उसमें एक बार भी उपयोग लग जावे तो बस सब काम हुआ ही समझ। तो एक बार लगने से क्या हो जाएगा, एक बार में क्या है हा? वो बनारसदास जी का छंद है, एक समय की कमाई फिर अनंत काल खाएगा, वो एक बार हो तो जाए। गुरुदेव का उद्धरण पहले भी सुनाया था मैंने, सम्यक दर्शन ये गारंटी देता है, एक बार तुम मुझे धारण करो तुम्हें मैं मोक्ष में ले जाकर ही रहूँगा, ये सम्यक दर्शन गारंटी देता है। एक बार मुझे धारण करके तो देखो। और दूसरा ये भी कहा कि आत्मा ये गारंटी देता है, सम्यक दर्शन को धारण करेंगे ना आएगा, सम्यक दर्शन कहाँ से आएगा, सम्यक दर्शन तो होना चाहिए। कोई कहता है तुम 1,00,000 रुपया दो हमारे इन्वेस्ट कर दो फिर तुम्हें बराबर जीवन भर हम इतना देते जाएंगे, 1,00,000 कहाँ से आएगा, तो 1,00,000 कहाँ से आएगा वो भी उपाय बता दें फिर सरल हो जाएगा। ऐसा क्या सम्यक दर्शन की गारंटी, सम्यक दर्शन कहाँ से आएगा, यदि हमारा आत्मा ही गारंटी देता है, हमारे पास आओ सम्यक की प्राप्ति निश्चित होगी। तेरा यथार्थ स्वरूप नित्यानंद चिदानंद में, उसमें एक बार भी उपयोग लग जावे तो बस सब काम हुआ ही समझ। बाद में भले तेरा उपयोग थोड़ी बहुत देर को वहाँ से हट भी जावे तो भी सम्यक ज्ञान हो गया, तो भी सम्यक ज्ञान तत्काल खंडित होने वाला नहीं है। और यदि वह उपयोग उग्र पुरुषार्थ से अंतर मुहूर्त तक अखंड धारावाही रहता है तो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। तो खास करके धारावाही पने की जो दो अपेक्षाएँ हैं वो इसमें स्पष्ट की है। अब इस कलश का भावानुवाद नाटक समय सार में इस प्रकार किया गया है। जो कब हूँ यह जीव पदारथ अवसर पाई मिथ्यात मिटावे सम्यक धार प्रवाह बहे गुण ज्ञान उदय मुख तो अभि अंतर दर्वित भावित कर्म कलेश प्रवेशन पावे आत्म साधि अध्यात्म के पथ पूरन है पर ब्रह्म कहावे।
इसलिए कहा कि यहाँ से लेकर के पूर्ण भय पर ब्रह्म, तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति से परमात्मा तक की प्राप्ति। जो कब हूँ यह जीव पदार्थ, यह जीव जब कभी अवसर पाई मिथ्यात् मिटावे, अवसर पा करके मिथ्यात्व का नाश करता है। अवसर पा करके ये काललब्धि हो गई और मिथ्यात्व नाश करता है, पुरुषार्थ हुआ। अकेली काललब्धि आने से पुरुषार्थ नष्ट नहीं होगा, अकेले पुरुषार्थ करने से मिथ्यात्व नष्ट नहीं होगा, अकेले काललब्धि आने से मिथ्यात्व नष्ट नहीं होगा, अकेले पुरुषार्थ करने से मिथ्यात्व नष्ट नहीं होगा। तो फिर काललब्धि आने पर कार्य होता ही होता है ना, वो काललब्धि जिस कार्य की आनी होती है उसके पहले वो उसका पुरुषार्थ आता है। बरसात होने वाली हो तो उसके पहले ठंडी हवा आने लग जाती है, पहले से तेज गर्म हवा आ रही तो समझते अभी पता नहीं कब तक बारिश होगी, होगी कि नहीं होगी, तो आएगा अवसर पाई मिथ्यात् मिटावे। सम्यक धार प्रवाह वह गुण, मिथ्यात् मिट गया तो सम्यक ज्ञान का प्रवाह वो अंदर फिर निरंतर बहता रहता है। सम्यक ज्ञान रूप से जो गुण हुआ है, निर्मल पर्याय हुई है, फिर वो निरंतर बहती रहती है। ज्ञान उदय मुख उरद धावे, अब ज्ञान का जो उदय हुआ है उसका मुख ऊर्ध हुआ है, ऊर्ध्वमुख। बनारसदास जी ने तो पुण्य को ऊर्ध्वमुख कहा है, पुण्य को, पाप को अधोमुख कहा और पुण्य को ऊर्ध्वमुख कहा। ये अरहंत मुख, अरहंत और सिद्ध दशा की तरफ जाने की अपेक्षा से ये ज्ञान ऊर्ध्वमुख हुआ है, अब संसार में नहीं आएगा, इस अपेक्षा से ज्ञान का उदय अब उरद मुख ऊर्ध्व की तरफ हो गया और उधर दौड़ता है धावे। और जब ज्ञान का उदय अंतर में लग करके इस तरह से सम्यक दर्शन ज्ञान और ऊपर की तरफ दौड़ रहा हो तब तो अभ्यंतर दर्वित भावित कर्म कलेश प्रवेश न पावे, तो न भाव कर्म प्रवेश करते न द्रव्य कर्म प्रवेश करते हैं। राग द्वेष के परिणाम नहीं होने से भाव कर्म नहीं होता, और भाव कर्म हो तो द्रव्य कर्म का आश्रय बंद होगा, इसलिए द्रव्य कर्म भी नहीं होते। द्रवित भावित कर्म कलेश प्रवेश न पावे, जब दोनों कर्म नहीं आ रहे तो क्या होगा, आत्म साधी, वो आत्मा की